राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी सागर की शिक्षिका रेणु यादव के लिए दिल्ली से बुलावा आया है। आज़ादी के कार्यक्रम को देखने के लिए वह दिल्ली के लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होंगी। पीएमओ के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसमें रेणु यादव और उनके पति रिटायर्ड कर्नल आरएस यादव शामिल होंगे और वे दिल्ली रवाना भी हो गए हैं। बता दें कि रेणु यादव के द्वारा पिछले 35 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। वह कमज़ोर वर्ग के बच्चों को दूसरे बच्चों के लेवल पर लाने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके पढ़ाई करवाती हैं और बच्चों को उनके लेवल तक लाती हैं, इसलिए उन्हें 2010 में नेशनल टीचर का अवार्ड दिया था। मैं रेणु यादव इस समय केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस के पोस्ट पर हूँ। मैं बहुत खुश और गौरवान्वित हूँ कि इस वर्ष मुझे स्वतंत्रता दिवस समारोह में समारोह को देखने का अवसर प्रदान किया गया है और इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी श्रृंखला में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने आम जनता में से हम लोगों को ऐसा मौका दिया कि हम इस समारोह को सामने से देख सके। कि मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मेरे को जो कि नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के नाम से जाना जाता है, वो मैं पुरस्कृत हो चुकी हूँ। उससे 2010 का ये अवार्ड है जो मेरे को 2011 में माननीय उस समय की जो राष्ट्रपति थी महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा दिया गया था। और मैं प्राउड रेसिपिएंट हूँ। हमारे जो KVS के हाईएस्ट अवार्ड है नेशनल इंसेंटिव अवार्ड, उसको भी मेरे को वो अवार्ड भी मेरे को मिल चुका है। नेशनल अवार्ड टू टीचर है वो मेरे को बच्चों की वजह से मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और मैंने हर संभव कोशिश की है कि जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं या वो बच्चे जो कमज़ोर थे उनको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, उनको बाकी बच्चों के लेवल में लाने के लिए, उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है। अलग अलग जो इनोवेशंस हैं वो किए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। जो आजकल NEP 2020 में हम बहुत जोर दे रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पर, मैं पिछले 10 साल से उसी मेथड का यूज़ करके हमारे बच्चों को कोशिश कर रही हूँ कि वो आगे बढ़ सके। और नॉर्म जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक्टिविटी प्लान करके कोशिश की है कि वो नॉर्मल लेवल पे आ सकें।